एबीएन न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से सुकमा बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए हैं। इस एनकाउंटर में 9 नक्सली भी मारे गए हैं। बीजापुर जिले के एसपी कमल लोचन कश्यप ने यह जानकारी दी है। ऑपरेशन के लिए 2000 जवान निकले थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सली विरोधी अभियान के पुलिस उप निरीक्षक ओपी पाल ने बताया कि शुक्रवार रात बीजापुर के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। इसके बाद उसी रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोध अभियान में रवाना किया गया था। इस टुकड़ी में करीब 2000 जवान शामिल हुए हैं। कुछ जवान भी मिसिंग है, उसकी सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं।